नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करते हैं जो काफ़ी न्यूज़ में रहा था, या फिर आप सोचो कि आपके सामने जो स्क्रीन पे लगा हुआ है कि सुपर ट्यूजडे, आखिर मंगलवार के अंदर ऐसी कौन सी सुपर पावर आ गई जो काफ़ी न्यूज़ के अंदर रहा था। और एक तरफ आपको डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास में ऐसे हाथ खोल के आपका स्वागत कर रहे हैं, जैसे बाहें फैलाकर आपको वेलकम कर रहे हैं वो, तो आखिर ये सुपर ट्यूजडे का इतना वेलकम क्यों किया जा रहा है? या एक तरह से यूँ कहें कि अगर अपने देसी भाषा के अंदर कहें तो डोनाल्ड ट्रंप किसी को आह्वान कर रहे हैं, बोला आ जाइए मेरे सामने कौन आने वाला है। तो जो ये सुपर ट्यूजडे होगा ये इसी के बारे में है कि अगला जो 2020 का जो इलेक्शन होने वाला है अमेरिका के अंदर, तो एक तरफ ये जो कैंडिडेट होंगे वो कौन रहेंगे? आपके डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे, जबकि दूसरी तरफ इनके सामने अपोजिशन में कौन आएगा उसी के बारे में क्या रहा था आपका ये सुपर ट्यूजडे रहा था, और इसी के बारे में अपन जानेंगे। आपको इससे पहले बता दें सुपर ट्यूजडे का मतलब कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1976 से क्या होती है सुपर ट्यूजडे की शुरुआत की गई थी। इसमें क्या होता है सुपर ट्यूजडे के अंदर जितने भी जो इसके अंदर अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल पार्टी होती है, आप सभी को जैसे पता है कि अमेरिका के अंदर कितनी पॉलिटिकल पार्टी होती है, दो पॉलिटिकल पार्टियाँ होती है, एक होती है आपकी यहाँ पे रिपब्लिकन और दूसरी कौन सी होती है आपकी यहाँ पे डेमोक्रेटिक। ये दो पार्टियाँ होती हैं, दोनों पार्टी द्वारा क्या किया जाता है अपने अपने कैंडिडेट का क्या किया जाता है, डिक्लेरेशन किया जाता है। अब रिपब्लिकन की तरफ से कौन आ गया आपके यहाँ पे, डोनाल्ड ट्रंप। क्या इनकी तरफ से जो राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए जो इलेक्शन होंगे उसके लिए क्या रहेगा, कैंडिडेट हो गए। अब मुद्दा आता है किसका, डेमोक्रेटिक पार्टी का। तो जो अभी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए इनका डोनाल्ड ट्रंप के सामने कौन होगा उसी के लिए क्या किया गया था, ये सुपर ट्यूजडे के ऊपर ये इलेक्शन हुए थे। अब इसके अंदर इलेक्शन के अंदर क्या हुआ था कि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो भी उम्मीदवार सबसे आगे निकल के आएगा वही क्या करेगा 2020 के इस इलेक्शन के अंदर, या यूं कहें कि अमेरिका के 46वें नंबर के जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे उसके लिए क्या करेगा डोनाल्ड ट्रंप के सामने, वो क्या होंगे, खड़े होंगे। तो इसी के बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी क्या ये सुपर ट्यूजडे के ऊपर क्या हुआ था, अभी टोटल कितने 14 जो स्टेट थे अमेरिका के अंदर उनके अंदर क्या करवाए गए थे, इसके अंदर प्राइमरी इलेक्शन करवाए गए थे, ठीक है। अब इसके बारे में आगे देखिए प्राइमरी इलेक्शन किस टाइप से होते हैं और क्या क्या मतलब, एक बार थोड़ा सा इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि अमेरिका के अंदर कितने हाउस होते हैं, किस टाइप से क्या करते हैं, इनके द्वारा कार्य किया जाता है। ये देखिए दिखाई देगी अभी यूएस फेडरल गवर्नमेंट का क्या है। सबसे पहले आती है इसकी फॉर्मेशन कब की गई थी, तो मेरे प्यारे दोस्तों, भोले वाले दोस्तों, ध्यान रखना इसकी फॉर्मेशन कब की थी, 1789 के अंदर क्या हुआ था, यूएस फेडरल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की गई थी। इसकी जो फाउंडिंग जो डॉक्यूमेंट क्या रखा गया था, मतलब इसकी जो फॉर्मेशन कर दी गई थी, इसके फाउंडिंग डॉक्यूमेंट का नाम क्या रखा गया था, इसका डॉक्यूमेंट का नाम रखा गया था यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, क्या रखा गया था इसके डॉक्यूमेंट का यहाँ पे नाम रखा गया था। अभी जो जैसे अपने यहाँ पे क्या होती है, जैसे जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठती है उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे पार्लियामेंट कहा जाता है। उसी टाइप से जहां पे अमेरिका के अंदर क्या कितने हाउस है, वहां पे दो हाउस है, सीनेट हो गया और दूसरा कौन सा होगा आपका, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो गया। अब ये सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों हाउस जहां पे बैठते हैं उसका क्या नाम रखा गया था, वहां पे कांग्रेस उसका नाम रखा गया। कांग्रेस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी कमेटी का गठन करना, या फिर एक ऐसी समिति, या यूं कहें कि एक कुछ लोगों की एक ऐसा विशेष समूह होता है जिनके द्वारा क्या किया जाता है, देश के नीति निर्माण के लिए क्या करना, कार्य करने की क्या की जाती है, वहां पे चर्चा की जाती है। तो कांग्रेस का मतलब क्या होता है, नीति निर्माण करने के लिए की जाने वाली बैठक, ठीक है। तो ये जो सीनेट और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दोनों के द्वारा क्या की जाती है, कांग्रेस, ये दोनों क्या बैठते हैं, कांग्रेस के अंदर बैठते हैं, कांग्रेस होती है इनकी। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, 4 मार्च और 1789 से क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। अब ये जो मीटिंग जो पैलेस होता है जहां पे इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कैपिटोल बोला जाता है। यहां का लीडर कौन होता है, इनका प्रेसिडेंट क्या होता है, यहां का लीडर होता है। और इसको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, ये सबसे मेन बात ध्यान रखना, इसको अपॉइंट क्या किया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा क्या किया जाता है, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट को यहां पे जो अपॉइंट किया जाता है। ध्यान रखना इंडिया के अंदर जो भी पावर होती है, जो सुप्रीम जो लीडर होता है, कि या यूँ कहें कि जो जो आपकी जो पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन सिस्टम होता है, या जो पार्लियामेंट्री जो प्रोसेसिंग होती है, उसके अंदर जो लीडर कौन होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर को किसके द्वारा किया जाता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं, जो भी लोअर हाउस के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा, जो जो भी उनके अंदर मेजोरिटी में से जो लीडर निकल के आएगा वहाँ पे क्या किया जाता है, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। जबकि प्रेसिडेंशियल पोस्ट के अंदर या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा क्या किया जाता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है। टोटल डिपार्टमेंट कितने हैं यहाँ पे, 15 क्या दिए गए हैं टोटल डिपार्टमेंट होते हैं, या यूँ कहें कि अमेरिका के अंदर टोटल कितने, 15 कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। अब देखिए हाउसेज कितने होते हैं यहाँ पे, एक होता है आपका सीनेट होता है, दूसरा कौन सा होता है आपका यहाँ पे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये जो सीनेट होता है इसके अंदर टोटल मेंबर कितने होते हैं यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, टोटल मेंबर होते हैं 100 मेंबर होते हैं। जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में टोटल मेंबर कितने होते हैं, 435 होते हैं। एक तरह से यूँ कहें कि ये जो हाउस ऑफ सीनेट होता है ये किसकी तरह कार्य करता है, आपके राज्यसभा की तरह कार्य करता है। जबकि हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ये किसकी तरह कार्य करता है, ये करता है आपके लोकसभा की तरह कार्य करता है। दोनों बातें क्लियर हो गई यहाँ पे, सीनेट किसकी तरह कार्य करता है मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यसभा की तरह, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव किसकी तरह कार्य करता है, आपके लोकसभा की तरह कार्य करता है, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या किया गया, सीनेट के अंदर क्या होता है कि जैसे अपने यहाँ पे राज्यसभा में क्या किया जाता है, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उनका पूरा जो भी एक
जो इनका जो एक होते हो पॉपुलेशन अकॉर्डिंग क्या कहता है, पूरा पूरा इनको राइट्स दिए, मतलब कि एक तरह से इलेक्शन के अंदर भी एक पॉपुलेशन अकॉर्डिंग दिया जाएगा भाई, कितना क्या डेलीगेशन दिया जाता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। जबकि अमेरिका के अंदर क्या किया जाता है, प्रत्येक स्टेट के अंदर, मतलब टोटल कितने स्टेट हो गए वहाँ पे, 50 स्टेट हो गए, तो इन 50 स्टेट में से क्या किया जाएगा, वहाँ से क्या हो जाएंगे लोग, क्या होके आएंगे वो इलेक्ट होके आएंगे, तो 50 स्टेट से कितने हो जाएंगे, दो लोग एक एक स्टेट से कितने, टू मेंबर क्या होके आएंगे वहां से इलेक्ट होके आएंगे, जो क्या करेंगे उसका डेलीगेशन करेंगे, किसके अंदर करेंगे, वो सीनेट के अंदर करेंगे। जबकि अपने यहाँ पे राज्यसभा में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन क्या होता है लोगों का वहाँ पे, या पार्टी अकॉर्डिंग क्या किया जाता है वहाँ पे डेलीगेशन दिया जाता है। जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है, वहाँ की पॉपुलेशन को बेस पे बना के क्या किया जाता है, वहाँ पे कार्य किया जाता है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या दिया जाता है, वहाँ पे डेलीगेशन दिया जाता है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में टोटल मेंबर कितने हो गए, 435 हो गए, जबकि सीनेट में मेंबर कितने हो गए आपके सामने, 100 हो गए। टोटल स्टेट कितने हो गए, 50 हो गए, तो 50 का मल्टीप्लाई 2 हो गया, मतलब पर स्टेट से कितने आगे दो मेंबर डेलीगेशन के लिए आएंगे, तो कितने हो गए वहां पे टोटल, जो आपका नंबर फिगर कितना आ गया, आपका आ गया 100 का आ गया, ठीक है। तो ये तो क्या थी इसकी, यूएस की जो फेडरल जो गवर्नमेंट बनती है उसकी प्रोसेसिंग थी भाई, किस टाइप से क्या होती है इसकी गवर्नमेंट बनती है, आगे देखते हैं इसके बारे में। आगे देखिए आगे क्या कहा गया है, जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे सुपर सैटरडे ट्यूजडे के बारे में बात कर रहे थे, वोटर्स वेंट टू द क्या पोल्स इन क्या 14 यूएस स्टेट एंड वन टेरिटरी ऑन क्या ट्यूजडे इन द लार्जेस्ट डे ऑफ द वोटिंग इन द यूएस प्राइमरी सीजन। ध्यान रखना यहाँ पे क्या लिखा गया आपके सामने अंडरलाइन के साथ में, यूएस प्राइमरी सीजन का मतलब क्या है कि जब ये इलेक्शन होंगे तो अमेरिका का अंदर जो भी प्राइमरी मतलब एक प्राथमिक स्तर के, मतलब यूं कहेंगे शुरुआत की जो होगी इलेक्शन की, उसके बारे में यहाँ पे इसके चर्चा की गई है। तो टोटल कितने स्टेट के अंदर थे, 14 स्टेट के अंदर, और एक क्या थी वहाँ की यूनियन टेरिटरी थी, उसके अंदर क्या की गई थी इलेक्शन की प्रोसेसिंग वहाँ पे की गई थी। अब देखिए भाई अब इन्होंने क्या कर दिया, प्राइमरी इलेक्शन के अंदर कर दिया। अब बोले प्राइमरी इलेक्शन के अंदर किस कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो उस कैंडिडेट के पास में वोटिंग कितना आना चाहिए, किस टाइप से उस कैंडिडेट के द्वारा कार्य करना होना चाहिए। तो ध्यान रखना मोर देन 2/3 ऑफ द डेलीगेट्स नीडेड टू क्या जाए सिक्योर द डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन, मतलब कितने हो गए यहाँ पे टोटल कितने मेंबर हैं इसके बाद में, 1300 मतलब 1357 मेंबर हैं, इसमें से कितने आने चाहिए टोटल कितने मेंबर हो गए यहाँ पे 199 मेंबर, मतलब 1991 टोटल मेंबर हो गए 1991 मेंबर हो गए, उसमें से कितने आने चाहिए आपके पास में 1357 क्या होने 1357 क्या होने से आपके पास में वहां पे डेलीगेशन होना चाहिए, मतलब आपके सपोर्ट में इतने लोग तो खड़े होने चाहिए, ठीक है। तभी क्या रहेगा आपको प्राइमरी जो एक तरह से दिया जाए, जो प्राइमरी जो सीजन के इलेक्शन होंगे उसके अंदर क्या मिलेगी आपको यहाँ पे जीत या लीड मिलेगी। आगे देखिए अब इलेक्शन की प्रोसेसिंग क्या होती है, अभी तक अपने बात की थी भाई किस टाइप से क्या, मतलब सुपर ट्यूजडे क्या था उसके अंदर सीनेट में कितने मेंबर होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कितने मेंबर होते हैं, उनके द्वारा कितने उनके अंदर संख्या होती है, कहां कहां से कितने लोग इलेक्ट होके आते हैं, यहां तक अपने अभी इसके बारे में चर्चा की। अभी अपन बात करते हैं कि जैसे इलेक्शन होता है यूएस के अंदर उसके प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसकी प्रोसेसिंग क्या क्या है। तो ध्यान रखना जैसे अपने यहाँ पे होता है प्रेसिडेंट, अपने इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसके अंदर कौन आता है, आपकी लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है, आपकी कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली आती है, ठीक है, जो मतलब कि आपके जिस स्टेट हो गए 28 स्टेट हो गए उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली, जो आप 8 जो आपकी यूनियन टेरिटरी है वहां से जो भी जिनमें 3 के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली कर दी गई भी जम्मू कश्मीर को इंक्लूडिंग करके, तो उन तीनों के जो भी इलेक्टेड जो भी मेंबर होंगे वो क्या करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि बात करते हैं अमेरिका के अंदर, तो यूएस के अंदर प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, देखिए तीन जो चीजें होनी चाहिए कौन कौन होना चाहिए, सबसे पहले नेचुरल बोर्न सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट होना चाहिए, मतलब वहीं पर पैदा हुआ हो, ठीक है, और एक रेजिडेंट कितने टाइम पीरियड का हो चुका हो, 14 ईयर वहाँ पे रहते हुए उसका हो गया हो, या फिर क्या होना चाहिए एटलीस्ट 35 ईयर क्या होना चाहिए वो ओल्ड होना चाहिए, ठीक है, वो 35 ईयर वाली एज का यहाँ पे भी इंडिया के अंदर भी सीन है और ये सीन वहाँ पे भी अमेरिका के अंदर भी है, ठीक है, यहाँ पे सीन होना चाहिए। इसके अलावा द यूएस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर नॉट इलेक्टेड क्या डायरेक्टली बाय द पीपल, ध्यान रखना द यूएस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, इंस्टेड दे आर चूजन बाय द इलेक्टोरस थ्रू प्रोसेस कोलेज द क्या जाएगा आपकी इलेक्टोरल कॉलेज, किसके माध्यम से चुना जाता है आपको इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से क्या किया जाता है उनको वहाँ पे इलेक्ट किया जाता है, न कि डायरेक्ट किसके द्वारा, वहाँ की पब्लिक होती है पब्लिक के द्वारा उनको वहाँ पे इलेक्ट नहीं किया जाता। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है जितने भी वो स्टेप्स हैं जितने भी इलेक्शन की जो स्टेप्स हैं उनको क्रॉस करने के बाद जो सामने फाइनल आते हैं वहाँ पे क्या किया जाता है उनको वहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। टोटल कितने स्टेप दिए गए हैं 5 स्टेप दी गई हैं, पहली कौन सी होती है आपकी प्राइमरी एंड कोकस की स्टेप होती है, इसके बारे में अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड कौन सी होती है आपकी नेशनल कन्वेंशन होता है, ठीक है, थर्ड स्टेप कौन सी होती है आपकी इलेक्शन कैंपेन होता है, फोर्थ में क्या हो गया आपकी जनरल इलेक्शन हो गए, और फिफ्थ में क्या हो गया आपकी इलेक्टोरल कॉलेज हो गए, फाइनल कौन सी आती है आपकी इलेक्टोरल कॉलेज आती है और उसी के माध्यम से क्या कहता है अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होता है उसका इलेक्शन किया जाता है। तो टोटल 5 स्टेप हो गए, फर्स्ट हो गई आपकी प्राइमरी एंड कोकस, सेकंड नेशनल कन्वेंशन, थर्ड कौन सी होगी आपकी इलेक्शन कैंपेन, और फोर्थ कौन सी होगी आपकी जनरल इलेक्शन, और फाइव कौन सी होगी आपकी इलेक्टोरल कॉलेज, उसी बेस पे क्या होता है यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। आगे देखिए इसके अंदर आप देखिए जो प्राइमरी जो होता है प्राइमरी के अंदर के जो प्राइमरी जो इलेक्शन की जो प्रोसेसिंग आती है उसमें किस टाइप से क्या होता है कार्य होता है वो देखिए। सबसे पहले
द प्राइमरी इलेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप इन द यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन थ्रू प्राइमरी इलेक्शन इन वेरियस स्टेट द पार्टीज फाइंड आउट देयर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। जैसे कहने का मतलब क्या है इनके द्वारा कि जैसे अपने यहाँ पे मान के चलिए जब इलेक्शन होता है, ठीक है, अपने यहाँ पे जब लोकसभा के लिए जब इलेक्शन होता है तो क्या कहता है पार्टी के द्वारा अपने ऊपर एक कैंडिडेट को थोपा जाता है, बोले भाई साहब हमारी तरफ से क्या रहेगा, एक कैंडिडेट रहेगा। जबकि अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं होता। अमेरिका के अंदर दो ही पार्टियां जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में चर्चा की थी, एक कौन सी आपकी डेमोक्रेटिक है, दूसरी कौन सी आपकी रिपब्लिक है। इन दोनों पार्टी के द्वारा क्या किया जाता है, वो क्या करती है, अपने जो कैंडिडेट होते हैं पहले पार्टियां अपने कैंडिडेट को चुनती है, बोले पहले जनता के बीच में जाएंगे, जनता को कहेंगे बोले आपको जो पसंद आए ना कैंडिडेट आपके क्षेत्र के लिए, आप उस कैंडिडेट का क्या कीजिए, यहाँ पे इलेक्शन कीजिए, उसका उसको इलेक्टेड कीजिए। जब आप उसको इलेक्ट कर लोगे उसके बाद में ही क्या करेंगे हम उसको आगे एज ए कैंडिडेट के रूप में क्या करेंगे, आगे प्रोसेसिंग करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो ये देखिए प्राइमरी इलेक्शन अमेरिकी राष्ट्रीय चुनाव की पहली सीढ़ी है। विभिन्न राज्यों में प्राइमरी चुनाव के जरिए पार्टी अपने प्रबल दावेदार का पता लगाती है। इस प्रक्रिया के बारे में कोई लिखित निर्देश अमेरिकी संविधान में मौजूद नहीं है। ऐसे में प्रक्रिया दो तरीकों से क्या की जाती है, संपन्न करवाई जाती है। मतलब इसके बारे में अमेरिका के संविधान के अंदर या जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर किसी प्रकार से रिटर्न के अंदर इसके बारे में नहीं लिखा हो गया है कि भाई प्राइमरी इलेक्शन के अंदर किस टाइप से क्या की जाएगी, स्टेप्स अपनाए जाएंगे, ध्यान रखना है इसके बारे में यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी जब यूपीएससी की तैयारी प्रिपरेशन में आ जाते हैं तो ये बहुत जरूरी चीज़ है कि अमेरिका के अंदर जो प्राइमरी इलेक्शन की जो प्रोसेसिंग होती है, हो सकता है इस बार की प्रीलिम्स के लिए आपके एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है, क्योंकि अभी 2020 चल रही है, आपकी 31 मई को जब आपकी एग्जाम होगी उससे पहले आपके एग्जाम के अंदर ही पुटअप किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहा, प्राइमरी दो टाइप से होती है। फर्स्ट क्या होती है, दिस मेथड इज मोर ट्रेडिशनल, इट इज यूज इन द मोस्ट स्टेट, कॉमन सिटीजन्स टेक पार्ट इन दिस एंड टेल द पार्टी हु इज देयर कैंडिडेट ऑफ द चॉइस। कहने का मतलब है कि जैसे मान के चलिए डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दो पार्टियां हो गई, अब दोनों ने क्या कर दिया, अपने अपने दो दो कैंडिडेट खड़े कर दिए, डेमोक्रेटिक ने भी कर दिया, रिपब्लिक ने कर दिए। तो पहले बात करते हैं अपन डेमोक्रेटिक पार्टी की। अब डेमोक्रेटिक पार्टी के मान के चलिए किसी एक क्षेत्र विशेष या जो भी एरिया है उस एरिया के लिए क्या कर दिया, उन्होंने दो अपने दो कैंडिडेट खड़े कर दिए। अब उन्होंने कहा कि भाई आपके सामने दो कैंडिडेट खड़े कर दिए गए हैं, इन दोनों कैंडिडेट में से किसी एक कैंडिडेट को क्या करना, आपको आपका कैंडिडेट बनाना है, आप अपनी पसंद से क्या कर सकते हो, आप अपना कैंडिडेट बना सकते हो। जबकि जो पार्लियामेंट्री जो प्रोसेसिंग आ जाती है उसमें क्या होता है कि किसी भी पार्टी होती है उस पार्टी के द्वारा क्या दिया जाता है, आपके ऊपर कैंडिडेट को थोपा जाता है, उसको कहा जाता है हमारी तरफ से कैंडिडेट ये होगा, आपके सामने और कोई ऑप्शन नहीं है कि चूज करने का, ठीक है। तो जबकि प्रेसिडेंशियल जो प्रोसेसिंग होती है उसमें क्या होता है, दो कैंडिडेट खड़े रहेंगे दोनों पार्टी की तरफ से और वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, कैंडिडेट चूज करने का क्या रहेगा, आपके सामने अधिकार रहेगा। आगे देखिए इसके अंदर दूसरी बात किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोकस के बारे में बात कर। मान के चलिए कि प्राइमरी जो स्टेप होती है उसके अंदर मान लीजिए किसी प्रकार का कोई भी सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं आया, उसके बाद में क्या होगा, कोकस का होगा। कोकस के अंदर क्या रहेगा, जितने भी पार्टी के जितने भी क्या कहते हैं वॉलंटियर रहेंगे या पार्टी के जितने भी जो वर्कर्स रहेंगे उनके द्वारा क्या किया जाता है, अपनी तरफ से क्या किया जाता है, कैंडिडेट को चुना जाता है। द प्रोसेस यूज दोज स्टेट वेयर द पार्टी हैज ए क्या स्ट्रॉन्ग होल्ड, मोस्ट ऑफ द पार्टी ट्रेडिशनल वोटर्स टेक पार्ट इन दिस कोकस। कोकस का मतलब क्या होगा, जो भी वर्कर्स होते हैं या भी जो भी वॉलंटियर होते हैं किसी पार्टी के उनके द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्शन के अंदर अपनी तरफ से कैंडिडेट चुनने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं वो, ठीक है। अब मान के चलिए किसी कोई भी एक क्षेत्र विशेष होता है वहाँ पे दोनों पार्टी में से डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक पार्टी में से किसी एक दोनों में से किसी एक पार्टी का वो गड्ढ है मान के चलिए वहाँ पे उसका स्ट्रॉन्ग एरिया है वो, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, वहाँ के जो भी वर्कर्स या वॉलंटियर होंगे वो क्या करेंगे, अपनी तरफ से किसी भी कैंडिडेट को क्या करेंगे, फाइनल करेंगे। बाद में सेकेंड बात देखिए, दोनों चुनाव में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि कोकस में पार्टी के सदस्य जमा होते हैं, सार्वजनिक स्थल पर उम्मीदवार के नाम पर चर्चा की जाती है, इसके बाद मौजूद लोग हाथ उठाकर उम्मीदवार चुनते हैं, वही प्राइमरी में बेल्ट के जरिए क्या होती है, वोटिंग होती है। मतलब समझ गए, कोकस में क्या रहेंगे, आपके जो भी जो वर्कर्स रहेंगे वॉलंटियर्स होंगे वो पार्टिसिपेट होंगे, जबकि प्राइमरी के अंदर क्या रहेंगे, जो भी आम पब्लिक रहेगी, जो जनता रहेगी, कॉमन मैन रहेंगे, वो क्या करती है, वहाँ पर अपने कैंडिडेट को वहाँ पर डिक्लेयर करती है। द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्शन इज दैट पार्टी मेंबर्स गैदर इन द कोकस, द नेम ऑफ द कैंडिडेट इज डिस्कस इन ए क्या जगह पब्लिक प्लेस, आफ्टर विच द पीपल प्रेजेंट देयर एरिया देयर राइज देयर हैंड्स एंड क्या जगह चूज द कैंडिडेट इन द प्राइमरी, वोटिंग इज डन थ्रू बैलेट, ठीक है। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, एक तरह से जो मतगणना जो पेटी होगी उसके माध्यम से क्या किया जाएगा, उनके द्वारा इलेक्शन किया जाएगा। आगे देखिए तीसरी स्टेप को, दूसरी उसके बाद में स्टेप पहुंच जाती है आपकी नेशनल कन्वेंशन होती है। जब प्राइमरी के अंदर जो हो जाता है उसके बाद में क्या करते हैं, नेशनल कन्वेंशन होती है। इसके अंदर देखिए द रिप्रेजेंटेटिव जिसको चुन लिया गया है, हु आर इलेक्टेड इन द प्राइमरी आर इन्वॉल्व इन द क्या जाएगा सेकेंड फेज ऑफ द इलेक्शन, ठीक है। वो सेकंड फेज के अंदर क्या आएगा, इलेक्शन के अंदर वहाँ पे पार्टिसिपेट होगा। द कन्वेंशन दीज रिप्रेजेंटेटिव एट द कन्वेंशन इलेक्ट द पार्टीज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, नॉमिनेटेड प्रोसेस टेक प्लेस इन दिस पीरियड। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी तरीके से मान के चलिए अगर यदि पार्टी द्वारा अपना प्रतिनिधि या जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको फिक्स कर लिया गया, उसके बाद में क्या करेंगे, वो अपना जो नामांकन जो नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए जो भी प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर क्या करता है, वो पार्टिसिपेट करता है और नेशनल कन्वेंशन के माध्यम से लोगों को बताता है कि हमारे आइडियाज़ क्या रहेंगे, हम किस कौन कौन से इश्यूज़ के ऊपर काम
काम करने वाले हैं और हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी किस टाइप से काम करेगी, उसके बारे में क्या करते हैं उनके द्वारा, जो नॉर्मल जो कॉमन मैन होते हैं, जो जनता होती है, उस जनता को वहाँ पर बताया जाता है। अगला देखिए, उसके बाद में फाइनल स्टेज आती है आपकी, कौन सी आती है आपकी, इलेक्टोरल कॉलेज होती है। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से क्या करते हैं, द वोटर्स ऑफ द स्टेट इलेक्ट द क्या इलेक्टोरस, ठीक है, उसके द्वारा क्या सुना जाएगा, इलेक्टोरस को सुना जाएगा। द इलेक्टोर इज क्या जाएगा, सपोर्टर ऑफ द ऑफ वन ऑफ वन और द अदर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, दो कैंडिडेट खड़े हैं, उनमें से किसी का क्या करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे। दीज इलेक्टोरस फॉर्म इन इलेक्टोरल कॉलेज, इट इज टोटल मेंबर्स कितने होते हैं आपके सामने, 538 होते हैं, इसके बारे में अपने स्टार्टिंग में चर्चा की थी। टोटल कितने मेंबर हो गए आपके सामने यहाँ पे, 538 मेंबर हो गए, इनके द्वारा क्या की जाती है, इस प्रोसेसिंग के अंदर भाग लिया जाता है। ओनली आफ्टर सेलेक्टिंग द इलेक्टोरल द जनरल पब्लिक क्या जाए पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एंड फाइनली मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट द परसेंट बाई वोटिंग एटलीस्ट 270 इलेक्टोरल, उसके अगर किसी के पास में जो 538 के क्या रहेंगे टोटल मेंबर यहाँ पे रहेंगे, और यदि मान के चलिए टोटल 538 में से 270 यदि वहाँ पे उनको मिलते हैं, मतलब मिनिमम मेजोरिटी कितनी बताई गई है, 270 की बताई गई है, जब 270 की उनके पास में मेजोरिटी आ जाएगी, उसके बाद में क्या किया जाएगा उनके द्वारा वहाँ पे उस इलेक्शन की प्रोसेसिंग में, या यूँ कहेंगे उसको एज ए विनर के रूप में क्या किया जाएगा वहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा। तो 538 टोटल मेंबर्स होते हैं, उसमें से कितने आने जरूरी है आपके सामने, 270 यहाँ पे मेंबर्स आना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये था कि ये क्या थी अमेरिका के अंदर यूएस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन थी उसके बारे में अपने द्वारा क्या यहाँ पे वो पूरी डिस्कस किया। अब ध्यान रखना अभी जो इलेक्शन की जो प्रोसेसिंग है कौन से नंबर के इलेक्शन होंगे, वो 46 नंबर के इलेक्शन होंगे, ठीक है। अमेरिका के अंदर दूसरी बात ये होती है कि कोई भी कैंडिडेट लगातार कंटिन्यू दो बार से अधिक बार क्या नहीं बन सकता वहाँ पे, मोर देन टू टाइम नहीं क्या नहीं बन सकता वहाँ पे, वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। जैसे अभी बराक ओबामा बने थे लास्ट टाइम, दो बार कंटिन्यू बन गए थे, उसके बाद में वो दोबारा वहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो सकते। इसी टाइप से इस बार वापस कौन आए, डोनाल्ड ट्रंप एक बार से अपना जो टेन्योर पूरा करने को आ गए 2020 के अंदर, 45वीं जो 45 जो प्रेसिडेंट थे उसके रूप में, अभी उनका कौन सा होगा 46वां जो प्रेसिडेंट होगा उसके लिए वहाँ पे क्या रहेंगे इलेक्शन रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद में अगर इस बार उनके सामने कौन आएगा, डोनाल्ड ट्रंप के सामने या तो कौन, जो बिडेन या बर्नी सैंडर्स, ये दो जो नाम चल रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी सॉरी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कौन आएगा, जो बिडेन जो पहले क्या रह चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसए के, और उसके अलावा कौन सा, बर्नी सैंडर्स हैं, इन दोनों में से क्या आएगा किसी एक, दोनों कैंडिडेट्स में कोई एक कैंडिडेट क्या रहेगा डोनाल्ड ट्रंप के सामने वहाँ पे वो इलेक्शन की प्रोसेसिंग के अंदर भाग लेगा, ठीक है दोस्तों। ये थी अमेरिका के अंदर जो यूएसए के अंदर इलेक्शन की जो पूरी प्रोसेसिंग थी, या यूँ कहें कि आपके जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो कैसे राष्ट्रपति बने, या उनको किस टाइप से क्या बनाया गया था, राष्ट्रपति बनाया गया था, उसके बारे में पूरी प्रोसेसिंग थी, अपने उसके बारे में जाना। ओके, धन्यवाद।